नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह बैन रखने की घोषणा की है। अब इस फैसले ने राजनीतिक गलियारे में हलचल भी मचा दी है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का गुस्सा फूट गया है, जहां बीजेपी अब सवाल भी कर रही है कि जब पूरे साल प्रदूषण नियंत्रण करने में कुछ नहीं किया गया तो अब त्योहार पर ही बैन क्यों। चलिए आपको भी बताते हैं कि बीजेपी क्या कुछ कह रही है। दरअसल पटाखे बैन की खबरों ने सियासत को तेज कर दिया है, इस पर बीजेपी का गुस्सा फूट गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार से सवाल किया है कि आखिर दिवाली और दशहरा पर ही क्यों बैन लगाया जा रहा है। भाजपा का तर्क यह है कि ग्रीन पटाखों की परमिशन है, फिर भी ऐसा बैन क्यों। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के साथ खबर को भी पोस्ट किया है, जिसमें पटाखे बैन की खबर है, और उन्होंने लिखा है, एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद की नाकामी सामने आ गई। पॉल्यूशन रोकने के लिए तमाम दावे फेल। दिल्ली दशहरा त्योहार पर ही पटाखे बैन क्यों। ग्रीन पटाखों का परमिशन है, नीरी ने ग्रीन पटाखों की घोष की है, जिस पर बैन नहीं होना चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्णतः बैन को ठीक नहीं ठहराया। यहां मनोज तिवारी ने कई सवाल दागे हैं केजरीवाल सरकार पर। खैर, बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, चलो जी, गोपाल राय जी ने प्रदूषण की आड़ में सबसे आसान काम कर दिया, हिंदू पर्व दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। पर मंत्री जी, कृपया बताएं, पंजाब में जलने वाली पराली को रोकने के लिए क्या काम किया। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने लिखा है, कोर्ट में साबित हो गया पटाखे पॉल्यूशन का स्रोत नहीं। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में आ गया पटाखे पॉल्यूशन का स्रोत नहीं, लेकिन जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल हो गई तो सिर्फ पटाखों को बैन करके दिखावा क्यों। जनता ये बैन नहीं मानेगी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को ट्वीट करके बताया कि राजधानी में पटाखों को पूरी तरह बैन किया गया है। उन्होंने प्रदूषण का हवाला और लोगों की जान बचाने की दलील दी। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। तो बीजेपी कुछ इस तरह रिएक्ट कर रही है। फिलहाल बीजेपी के इस ट्वीट पर, इस रिएक्शन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।